आज आपकी क्लास कौन सी? आज आपकी क्लास है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, आईटीआई सेकेंड ईयर क्लास 34। टारगेट आईटीआई एग्जाम 2023, जो 2023 में एग्जाम होने हैं उसमें आप सब अच्छा से अच्छा स्कोर हासिल करें, ये टारगेट आपका होना चाहिए। हम लोग का टारगेट क्या है? हम लोग का टारगेट है उसके लिए आपको अच्छा से अच्छा स्टडी पैटर्न लेके आए। और आप लोग का टारगेट क्या होना चाहिए? जो पैटर्न आपको मिल रहा है, जो स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा, उसको बेहतर तरीके से पढ़ें, उसका नोट्स बनाएं, रिवाइज करें, ताकि आपका भी टारगेट पूरा हो सके और हम लोग अपना टारगेट तो पूरा कर ही रहे हैं। इस क्लास से संबंधित आपको PDF ऑनलाइन मार्क टेस्ट यदि फ्री में चाहिए तो आप www.globalitee.org पर जाकर इस सुविधा का लाभ भी ले सकते हो। चलते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का क्या फायदा है? प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर क्या फायदा है? ये पहली बात तो दो तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के मुख्यतः होते हैं। जैसे आपका होता है लाइटली वाटर रिएक्टर होता है, बॉइल्ड वाटर रिएक्टर होता है, एक होता है अतिक्रांतिकी अप इलेक्ट्रिकल प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, अतिक्रांतिकी जल रिएक्टर, तीन प्रकार के होते हैं मुख्यतः। अब बात की जाए कि इसका फायदा क्या है, तो फायदा है इसकी इट हैज हाई पावर डेंसिटी। इसकी जो पावर डेंसिटी होती है प्रेशराइज वाटर रिएक्टर की, बहुत ज़्यादा होती है। लगभग लगभग सभी कंट्री में प्रेशराइज वाटर रिएक्टर ही यूज किए जाते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस बिजली उत्पादन संयंत्र के संचालन में अधिक विश्वसनीयता है? अधिक विश्वसनीयता भाई उसी में होगी जो किसी और पर निर्भर नहीं होगा। बाकी आपके देखो जैसे दिया किसमें, हाइड्रो पावर प्लांट दिया है, डीजल पावर प्लांट दिया है, न्यूक्लियर पावर प्लांट दिया, थर्मल पावर प्लांट दिया है। तो बाकी अगर आप देखो न्यूक्लियर के अलावा देखें तो बाकी सब किसी ना किसी पे बेस्ड है। जैसे आपका हाइड्रो जल पर बेस है, अगर वाटर नहीं मिलेगा तो फिर काम नहीं चलेगा। डीजल पर बेस है आपका डीजल पावर प्लांट, तो उसी प्रकार ये कहीं ना कहीं बाकी तीनों सब एक किसी ना किसी और पर निर्भर है, किसी और पर निर्भर है। तो इसलिए ये तीनों गलत है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब बात की जाए न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे होता है तो इसमें ईंधन के रूप में कभी कभी पूछ लेता है ईंधन के रूप में क्या यूज करते हैं, ईंधन के रूप में आप यूरेनियम थोरियम प्लूटोनियम ये सब यूज करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, पारंपरिक बिजली उत्पादन पर गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का नुकसान क्या है? जो आपके पारंपरिक होती है बिजली उत्पादन, नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन ओवर कन्वेंशनल पावर जनरेशन पूछा है। पारंपरिक बिजली उत्पादन पर गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का क्या नुकसान है? तो इसका नुकसान देखते हैं, इंक्रीज पोल्यूशन, सिक्योरिटी रिस्क इज मोर, रिक्वायर इज मोर मेंटेनेंस, कैन नॉट बी यूज फॉर बेस लोड डिमांड, बेस लोड डिमांड के लिए इस्तेमाल नहीं। बिल्कुल सही बात, यही इसका सबसे ज्यादा जो है पूछा है, ड्रॉबैक पूछा है। विच इज डिसएडवांटेज, अगर एडवांटेज पूछा होता तब बात करते दूसरी, यहाँ पे क्योंकि डिसएडवांटेज पूछा है ना तो इसलिए क्या हो जाएगा, लोड डिमांड के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। उसके बाद फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है? व्हाट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ विंड पावर जनरेशन? जो आपकी विंड पावर जनरेशन होती है, पवन ऊर्जा होती है, विंड पावर जनरेशन जैसे आपका होता है, पवन ऊर्जा से आप जो है वैद्युत ऊर्जा जनरेट करते हो, पवन ऊर्जा से जब आप वैद्युत ऊर्जा जनरेट करते हो, आपकी जो है ब्लेड लगे हुए होते हैं, ब्लेड से कनेक्ट होती है आपकी टर्बाइन, जैसे विंड आती है तो ये क्या करती है, ब्लेड इसकी रोटेट करती है और यहाँ पे क्या होता है, टर्बाइन कनेक्ट होती है। टर्बाइन से क्या जुड़ा होता है, टर्बाइन से जुड़ा होता है अल्टरनेटर। क्या जुड़ा होता है, टर्बाइन से जुड़ा होता है आपका अल्टरनेटर, टर्बाइन से जुड़ा होता है आपका अल्टरनेटर, टर्बाइन से जुड़ा होता है आपका अल्टरनेटर। अल्टरनेटर क्या करता है, टर्बाइन के साथ जो है रोटेट करने लगता है। जैसे ही रोटेट करना है तो जो आपकी ये टर्बाइन में जो आपकी काइनेटिक एनर्जी आती है, टर्बाइन रोटेट करती है तो उसके साथ क्या जुड़ा होता है, अब जैसे आप टर्बाइन घूमने लगी, पवन से आपका क्या हुआ, टर्बाइन कनेक्ट है उसके ब्लेड से, टर्बाइन रोटेट करने लगी, टर्बाइन के साथ जुड़ा होता है क्या आपका अल्टरनेटर, अल्टरनेटर कनेक्ट होता है, अल्टरनेटर भी रोटेट करने लगता है, आपको वैद्युत ऊर्जा मिलने लगती है। ये हो गया। उसके बाद देखो अब क्या दिया है, पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है, यहाँ पे नुकसान पूछा है, पॉल्यूशन इफेक्ट इज मोर, प्रदूषण का असर ज़्यादा है, इसमें प्रदूषण होता ही नहीं पवन ऊर्जा में, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद दिया है रिक्वायर हाई टेक्नोलॉजी, बिल्कुल गलत है, कोई ऐसी हाई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है हमको, बहुत सिंपल वे में होता है। प्लांट इंस्टॉल मोर कॉम्प्लिकेटेड, संयंत्र की स्थापना अधिक जटिल, ये भी बहुत गलत क्वेश्चन है मेरे हिसाब से नहीं, वास्तव में जो बच्चे पवन चक्की देखे, पवन चक्की में भी यही कॉन्सेप्ट लगा हुआ होता है, या पवन ऊर्जा का जो भी कोई सोर्स देखे होंगे तो वहाँ देखे होंगे ये तीनों कॉन्सेप्ट गलत हो रहे हैं। विंड पावर इज नॉट कॉन्स्टेंट एंड स्टडी, बिल्कुल ये सही बात है, यही इसका सही आंसर है। क्या इसी का ये राइट आंसर है, जो आपकी वायु है पवन ऊर्जा है वर्ष भर या महीने भर या प्रत्येक दिन कांस्टेंट नहीं रहती। जिस समय हवा आपका पवन ज़्यादा तेज गति से चलती है उस समय ब्लेडें ज़्यादा तेज घूमेंगी, टर्बाइन भी ज़्यादा तेज घूमेगी, जनरेशन उस समय अच्छा मिलेगा, लेकिन जब आपकी जो है किसी कारण से पवन नहीं चली, वायु नहीं चली, तो क्या होगा, जनरेशन आपका कम हो जाएगा। तो इसका सबसे जो
पवन शक्ति उत्पादन का सबसे नुकसान यही है। मतलब नुकसान क्या है कि ये डिपेंड है किस पे, एयर पे। अगर एयर नहीं चल रही, वायु नहीं चल रही, तो आपका जनरेशन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, विंड पावर इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि आपकी जो वायु है ये कांस्टेंट नहीं होती, कभी तेज कभी धीमे होती रहती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, ज्वारी शक्ति उत्पादन टर्बाइन का क्या काम है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टर्बाइन यूज इन टाइडल एनर्जी, टाइडल पावर जनरेशन टर्बाइन का काम कम। देखो टर्बाइन का कोई भी हो, आपका पावर प्लांट कोई सा भी, टर्बाइन का सिर्फ इतना ही काम है जो उसे इनपुट मिले, चाहे वो किसी फार्म में मिले, स्टीम के फार्म में मिले या किसी भी फार्म मिले, क्या बोलते हैं आपका ये विंड एनर्जी होता है, एयर के फार्म में मिले, किसी भी फार्म में मिले, सिर्फ टर्बाइन को रोटेट होना चाहिए। यदि टर्बाइन रोटेट हो गई तो उसी से आपका जुड़ा होता है क्या, अल्टरनेटर, उसी से जुड़ा होता है आपका टर्बाइन से अल्टरनेटर। टर्बाइन और अल्टरनेटर जुड़े होते हैं, जब टर्बाइन रोटेट करने लगे, किसी भी कारण से टर्बाइन रोटेट करने लगे, तो इसमें जुड़ा हुआ अल्टरनेटर भी घूमने लगेगा। जब अल्टरनेटर घूमने लगेगा, टर्बाइन के साथ जुड़ा हुआ आपका अल्टरनेटर जब घूमने लगेगा, तो क्या होगा, एनर्जी का जनरेशन होने लगेगा, वैद्युत ऊर्जा आपको मिलने लगेगी। अब देखो, देखते हैं, प्रिवेंट वाटर फ्लो अदर पार्ट, कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, कीप द वाटर फ्लो फ्रॉम लो हायर लेवल, कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी, कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी एन, क्योंकि जो आपकी स्थिति ऊर्जा है उसका कन्वर्ज किस में होता है, उसका कन्वर्जन होता है आपका गतिज ऊर्जा में, तभी आपकी टरबाइन जो है रोटेट करती है। जब टरबाइन रोटेट करती है उसकी स्थिति ऊर्जा, क्योंकि जब समय टरबाइन रोटेट होती है तो उस समय टरबाइन रोटेट क्यों होती है, जो आपका टाइडल एनर्जी होती है, ये ज्वारी शक्ति उत्पादन। तो क्या होता है, जब टरबाइन आपका प्रेशर से रिलीज होता है, क्या रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है, जब वाटर गिरता है तो क्या होता है, टरबाइन रोटेट होने लगती है। और ये टरबाइन केवल वाटर से ही नहीं, कोई सा भी प्लांट हो, कोई सी भी एनर्जी हो, टरबाइन रोटेट होने लगे, चाहे विंड एनर्जी हो, चाहे आपका स्टीम पावर प्लांट हो, कोई सा भी प्लांट हो, सिर्फ टरबाइन को रोटेट होना है। टरबाइन किसी भी कारण से रोटेट हो जाए, चाहे कोई सा भी प्रिंसिपल लगे, सिर्फ टरबाइन को रोटेट होना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, जो कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो वहाँ पे जो होता है स्थितिज ऊर्जा होती है वो किसमें परिवर्तित हो रही होती है, उस समय गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा में जब परिवर्तित होगी तभी तो आपका अल्टरनेटर भी गति करेगा, अल्टरनेटर रोटेट करेगा। यदि अल्टरनेटर रोटेट करने लगा तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगी, वैद्युत ऊर्जा आपको मिलने लगी। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसका राइट आंसर कौन सा, बी नंबर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन दिया है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है। गैर पारंपरिक हम बोल रहे हैं जिनका उपयोग सदियों से नहीं होता, पारंपरिक का मतलब होता है जैसे परंपरा है आपके यहाँ, किसी घर में किसी पूर्वज के यहाँ चली आ रही है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि किसी दिन पर्टिकुलर नहीं खाते हैं, कुछ चीज़ें नहीं खाते हैं कि आज हम सोमवार है आज नहीं खाएंगे, आज गुरुवार है हम ये चीज़ नहीं खाएंगे, आज ये दिन है हम नहीं खाएंगे। तो उनके यहाँ वो घटना, या बरसों से किसी मंदिर में कोई जाता है तो कहते हैं हमारे बाबा जाते थे, हमारे दादा जाते थे, हम भी जाते हैं, लेकिन उनसे पूछा क्यों जाते हो ये नहीं पता, भैया परंपरा है हम भी जो है इस दिन अमावस्या के दिन पूर्णिमा के दिन मंदिर जाते हैं, देव दर्शन करने जाते हैं, एक परंपरा चली आ रही उन लोग को, बस उसको निभाते चले जा रहे हैं। तो ये पूछा है वही चीज़, मतलब गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का क्या फ़ायदा है। ये पारंपरिक हो गया, अब गैर पारंपरिक, पारंपरिक का मतलब क्या होगा, जैसे देखो पारंपरिक का मतलब ये आप देखते आ रहे हो, जैसे आपके डीजल प्लांट हो गया, पेट्रोल से है या डीजल से है या कोयला से है या स्टीम से है, ये सब आप देखते चले आ रहे हैं। लेकिन जो आपके पेट्रोल है डीजल है या आपका क्या बोलते हैं थर्मल है मतलब जो कोयला पे डिपेंड है, कोयला है, ये सब क्या है, भविष्य में जो है आपका थर्मल पावर प्लांट जो कोयला है, ये सब क्या है, जो भाई या तो डीजल से आप चलाओगे, या तो कोयले से चलाओगे, या तो हाइड्रो से चलाओगे पावर प्लांट, कुछ ना कुछ सोर्स तो लोगे पावर प्लांट ऑपरेट करने के लिए। लेकिन ये सब क्या है, ये भविष्य में खत्म हो जाने वाले, ये सारे प्लांट जो है खत्म क्यों हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है भविष्य में वाटर का भी दिक्कत हो जाए, हो सकता है भविष्य में डीजल पेट्रोल का भी दिक्कत हो जाए, हो सकता है भविष्य में कोयले का भी दिक्कत हो जाए। तो ये इसके इन परिस्थितियों में हमें बचाव के लिए क्या जाना पड़ा, हमें रिसर्च करनी पड़ी, किसकी, हमें इन परिस्थितियों से बचने के लिए क्या खोजना पड़ा, गैर पारंपरिक, इन परिस्थितियों से बचने के लिए क्या खोजना पड़ा, गैर पारंपरिक। अब गैर पारंपरिक क्या होते हैं, गैर पारंपरिक आपके कौन से होते हैं, गैर पारंपरिक होते हैं आपके जैसे टाइडल एनर्जी सोर्स हो गया, टाइडल एनर्जी हो गई, उसके बाद आपकी क्या हो गई, सोलर हो गई, और क्या हो गई, विंड हो गई, ये आपकी क्या है, गैर पारंपरिक हैं। गैर पारंपरिक का मतलब क्या है, जो है परंपरा, जो मतलब परंपरागत रूप से हम नहीं इनका यूटिलाइजेशन करते हैं, जैसे कि
और जो आपके गैर पारंपरिक हैं ये रिन्यूएबल भी होते हैं, जैसे आपके देव कभी खत्म नहीं होगा, कौन सा सोलर आपका खत्म नहीं होगा, विंड आपकी चलती रहेगी, तो ये और प्रदूषित भी कम करते हैं वातावरण को। सबसे ज़्यादा फायदेमंद क्या है, ये प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। चलो फिलहाल इस क्वेश्चन का देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या पूछा है। पूछा है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का क्या फायदा है, मोर रिलायबल, तो रिलायबल तो नहीं है। यदि धूप नहीं निकली तो आप जो है सौर ऊर्जा से एनर्जी नहीं पाओगे, सोलर प्लांट आपका फेल। उसके बाद यदि पूछ बोला कि लो इनिशियल कास्ट, तो इनको सबको लगाने के लिए सबसे ज़्यादा कास्ट की आवश्यकता होती है, सबसे ज़्यादा कास्ट की भी आवश्यकता होती है। इफिशियंसीज हाई, इफिशियंसी भी इनकी हाई नहीं होती। कारण है किसी दिन एयर चलती, किसी दिन एयर नहीं चलती, किसी दिन धूप निकलता, किसी दिन धूप नहीं निकलता। और टाइडल एनर्जी भी पर डे नहीं होती, किसी दिन कम, किसी दिन ज़्यादा, किसी दिन, तो ये सब जो है क्या है कि मतलब इनमें कोई फिक्स नहीं है कि पर डे हमें इतना जनरेशन मिलेगा ही मिलेगा। ये डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है। यदि मौसम ख़राब है, आसमान में बादल है, बारिश हो रही है, तो आपको सौर ऊर्जा जो सोलर प्लांट है आपको एनर्जी दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो बेस्ड किसमें है, किसमें बेस्ड है, वो बेस्ड है पीवी प्रिंसिपल पे। पीवी प्रिंसिपल क्या कहता है, फोटोवोल्टाइक प्रिंसिपल क्या कहता है, कि जब प्रकाश पड़ेगा तभी वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्जन होगा, जब प्रकाश ही नहीं हो तो वैद्युत ऊर्जा में आपका वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन कहाँ से होगा, नहीं होगा ना। तो ये तीनों तो आपके गलत हो गए। उसके बाद चौथा ऑप्शन दिया है क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अवॉइडेड। अब देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट अवॉइडेड यही सबसे अच्छा है। जैसे आपका टाइडल हो गए, सोलर हो गया, विंड हो गया, इनसे वातावरण प्रदूषित नहीं होता, कोई हार्मफुल गैसेस नहीं, हानिकारक गैसें, हार्मफुल कोई हानिकारक गैस, हार्मफुल बोलते हैं इंग्लिश में, हानिकारक गैस नहीं निकलती है। जब हानिकारक गैस नहीं निकलती तो हमारा वातावरण प्रदूषित नहीं होता। अब जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट है, अगर वातावरण में प्रदूषित गैसें फैलेंगी तो क्या होगा, आपका जो ओजोन लेयर है वो भी प्रभावित होगा। ओजोन लेयर क्या होता है, आपके प्रकाश सुरक्षा कवच है। किसके लिए, हम सब के लिए सुरक्षा कवच है। क्या करती है, जो सूर्य से आपकी परावैगनिक किरणें आती है, अल्ट्रावायलेट आती हैं, उन सबसे हमकी रक्षा, हम लोगों का रक्षा करती है। कहीं कहीं पर जो आपकी ओजोन लेयर है डैमेज हो गई है, तो क्या होगा, इससे आने वाले समय में जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेस है वो सीधे सन पे, सीधे अर्थ पे आएंगी, उससे क्या होगा, बीमारियां फैलेंगी, स्किन कैंसर वगैरह फैलेंगे। तो ये कहने का मतलब, जो अब ये होता क्यों है, जो आपके वातावरण प्रदूषित हो रहा है, वातावरण प्रदूषित कैसे होता है, जो आपके ये है डीजल पावर प्लांट है और क्या बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट है, ये सब क्या करते हैं, वातावरण को कहीं ना कहीं से प्रदूषित कर रहे होते हैं। तो इन सब की तुलना में देखा जाए, जो आपके नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है उसका सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव को जो है बचाते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अवॉइडेड, क्या करते हैं, ये प्रदूषण से बचाव करते हैं, इनमें प्रदूषण नहीं होता। कंपेरिजन किनकी तुलना में, जो आपके बाकी थर्मल पावर प्लांट है उनकी तुलना में प्रदूषण नहीं होता इनसे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अवॉइडेड। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ द पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम वाटर फ्लोइंग इज कन्वर्टेड एज काइनेटिक एनर्जी टू जनरेटिंग पावर। पानी से बहने वाली स्थितिज ऊर्जा को बिजली उत्पन्न करने वाली गतिज ऊर्जा में कैसे परिवर्तित किया जाता है, अधिक मात्रा में पानी का भंडारण करने में, पानी को नहर में, सर्ज टैंक में, अल्टरनेटर ड्राइव करने के लिए पानी टर्बाइन का उपयोग करते हैं, पेन स्टाफ के माध्यम से उच्च हेड बना करके। देखो अभी जो हमने बताया था पीछे, वही चीज़ अभी फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। जैसे मान लीजिए आपका कोई डैम होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, क्या है आपका कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में क्या करते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो, डैम बनाते हो। डैम में क्या करते हो, डैम में आप सबसे पहले क्या स्टोर करते हो, डैम में सबसे पहले वाटर स्टोर करते हो। वाटर स्टोर करने के बाद इसे रिलीज भी करना होता है, तो यहाँ पे क्या लगाते हो आप, सर्ज टैंक लगाते हो। सर्ज टैंक क्या करता है, पेन स्टॉक में हैमरिंग प्रभाव को कम करता है, मतलब पेन स्टॉक को सुरक्षित करता है। दूसरा क्या करता है, जो दूसरा जो आपका लोड कंट्रोल करता है, जैसे मान लीजिए लोड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, तो क्या करेगा, ज़्यादा वाटर रिलीज करेगा, ज़्यादा टरबाइन में मूवमेंट आएगा, टरबाइन ज़्यादा आरपीएम बनाएगी, तो क्या होगा, उसके साथ जो जुड़ा हुआ अल्टरनेटर वो भी ज़्यादा आरपीएम बनाएगा। जब अल्टरनेटर भी ज़्यादा आरपीएम बनाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट होगी, क्योंकि हमें ज़्यादा ही तो चाहिए, लोड ज़्यादा है। यदि कम है तो यहाँ से हम कम भी कर सकते हैं, तो सर्ज टैंक हो गया। उसके बाद यहाँ पे लगा हुआ होता है वाल्व हाउस होता है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है वाल्व हाउस होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लगा हुआ होता है पेन स्टॉक, यहाँ पे क्या लगा हुआ होता है पेन स्टॉक, यहाँ पे लगा होता है पेन स्टॉक। उसके बाद फिर नीचे जाते हैं तो यहाँ पे क्या होती है आपकी टरबाइन होती है, इसी से क्या जुड़ा होता है, इसी से जुड़ा होता है आपका अल्टरनेटर। अब क्या होता है, जब टरबाइन रोटेट करती है, इसके साथ जुड़ा हुआ अल्टरनेटर वो भी रोटेट करता है, हमें वैद्युत ऊर्जा मिलने लगती है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं कौन हो जाएगा, पेन स्टॉक के माध्यम से वो छेद बनाकर अल्टरनेटर ड्राइव के लिए पानी का टरबाइन उपयोग करके
तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यही जो दिया हुआ है, पेन स्टॉक के माध्यम से उच्च हेड बनाकर, आपका जो पेन स्टॉक है यहाँ से उच्च हेड बनाकर टरबाइन के जो आरपीएम है यहाँ से आप जो है इसे ज़्यादा या कम कर सकते हो, अरेंजमेंट होता है, मतलब पेन स्टॉक की मदद से हम क्या करेंगे, हेड को हाई कर सकते हो। और क्या करते हैं इस समय, पानी की स्थिति और ऊर्जा को किस में बदलते हैं, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पेन स्टॉक के माध्यम से उच्च हेड बना करके पानी की स्थिति ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, फलस्वरूप हमारी जो एनर्जी है कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कन्वर्ट हो जाती है वैद्युत एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका राइट आंसर ये हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, परमाणु विखंडन के दौरान उत्पन्न होने वाली रेडियो सक्रिय किरणों का क्या प्रभाव होता है, जो आपकी रेडियो सक्रिय वेव्स होती हैं क्या होता है, आपके सबसे ज़्यादा पढ़ते ही आप जान गए होंगे क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल है, सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए हमारे क्या है, हानिकारक है। तो वही दिया होगा, डैमेज द रिएक्टर, क्रिएट द हेल्थ हजार्ड, रिड्यूसेस फ्यूजन प्रोसेस, एनरोमास हीट प्रोड्यूस, भयंकर गर्मी पैदा होती है, डैमेज द रिएक्टर्स का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्रिएट द हेल्थ हजार, स्वास्थ्य खतरे को पैदा करते हैं, जो हमने पहले ही बता दिया आपको, आंसर देखने पहले ही बता दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर ऊर्जा का क्या काम, सौर ऊर्जा का उत्पादन क्या होगा, यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल क्या होगा, यदि देखिए जो आपका सोलर सेल होता है, जो आपकी सौर ऊर्जा होती है, सोलर एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी आपकी दो फार्म में आती है अर्थ में, कौन कौन से दो फार्म आते हैं, एक तो होता है लाइट का फार्म, एक होता है आपका हीट का फार्म, एक लाइट का फार्म होता है, एक हीट का फार्म होता है, इस प्रकार आती है। जैसे लाइट कहते हैं सर, लाइट क्या होती है, लाइट वो होती है जिसके कारण हम चीज़ों को देख पा रहे हैं, हीट क्या होती है जो उसमें उष्मा होती है, जैसे आपके कपड़े वगैरह सूखते हैं, तो हीट मतलब सूर्य में दो एनर्जी है, एक तो लाइट एनर्जी है, एक हीट एनर्जी है। अब बात की जाए, पूछा है सौर ऊर्जा में यदि प्रकाश की तीव्रता कम है, अब मान लीजिए किसी कारण से बादल आ गया आसमान में या बारिश हो रही, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइट भी कम हो जाती है और हीट भी कम हो जाती है, तो हमारा जो फोटोवोल्टाइक सेल है, पीवी सेल, हमारा जो पीवी सेल होता है, पीवी सेल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जो आपका पीवी सेल होता है प्रकाश ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब जब ये मान लीजिए प्रकाश ही नहीं है, जब प्रकाश ही नहीं है तो विद्युत ऊर्जा में उत्पादन क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा, जितना कम होगा प्रकाश ऊर्जा, जितना आपका प्रकाश मिलेगा उसी के फार्म में तो आपको विद्युत ऊर्जा मिलेगी, लेकिन अब प्रकाश ही नहीं है, जब सूर्यदेव निकले ही नहीं है, आसमान में छिप गए हैं या बारिश हो रही है, तो आपको जनरेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, या तो बहुत कम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसका राइट आंसर चलिए देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं हम, देखिए आउटपुट इंक्रीज, आउटपुट डिक्रीज, आउटपुट रिमेन सेम, नो आउटपुट इन द सेल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आउटपुट डिक्रीज, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आउटपुट डिक्रीज, आउटपुट घट जाएगा ना, क्योंकि जो हमारा फोटोवोल्टाइक सेल है किस पे निर्भर करता है, सूर्य की रोशनी पर निर्भर करता है, सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है, जब सूर्य का प्रकाश ही नहीं हो रहा है तो हमें आउटपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसका राइट आंसर हो गया आउटपुट डिक्रीज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो सौर सेल का आउटपुट क्या होगा, देखो उसी क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया, अभी बोला कि जो है प्रकाश की तीव्रता कम है तो क्या इफेक्ट होगा, जब सीधी सी बात है, जब प्रकाश, जब स्वच्छ मौसम है, आसमान है, ड्राई मौसम है और धूप अच्छी निकली हुई है, तो सीधी सी बात है जनरेशन आपका बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, नो आउटपुट इन द सेल, आउटपुट वोल्टेज इज इंक्रीजेज, नो इफेक्ट एंड रिमेन सेम, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीजेज, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज, अब बढ़ जाएगा ना, पूछा यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक है, यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो आउटपुट भी आपको अधिक मिलेगा, जाहिर सी बात है, यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो आउटपुट भी अधिक मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, प्रणाली में वितरकों के लिए, प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है, तो जो आपकी होती है प्रणाली में वितरकों को, वितरक जो होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सब स्टेशन कौन सी प्रणाली जोड़ती है, तो उसको हम बोलते हैं फीडर, क्या बोलते हैं उसको, हम फीडर बोलते हैं। अब जो बात की जाए डिस्ट्रीब्यूटर की, तो डिस्ट्रीब्यूशन वो प्रणाली होती है, क्या बोलते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूटर वो प्रणाली होती है जो सप्लाई को सर्विस मैन तक पहुंचाती है, जो सप्लाई को सर्विस मैन तक पहुंचाती है, सर्विस मैंस क्या होती है, सर्विस मैंस वो होती है जो सर्विस मैंस, अब सर्विस मैन का सर क्या होती है, आपने डिस्ट्रीब्यूटर बता दिया तो सर्विस मैंस बता दी, सर्विस मैंस वे होती है जो सप्लाई आपकी आई है, आपकी जो सप्लाई आई है आपके ट्रांसफार्मर में, आपके पोल में, तो जो आपकी एनर्जी मीटर तक जो आती है, जो आपके पोल से एनर्जी मीटर तक आती है, जो आपकी एनर्जी मीटर तक आती है,
उसे हम बोलते हैं सर्विस मैन, जो सप्लाई आपके आती है डिस्ट्रीब्यूटर से सर्विस में आपके एनर्जी मीटर तक, तो क्या बोलते हैं उसको हम सर्विस मैन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, जो आपके एनर्जी मीटर में आपके घरों में एनर्जी मीटर लगा हुआ होता है जो पोल से सप्लाई आती है, तो उसको हम बोलते हैं सर्विस मैन। अब देखिए इसका राइट आंसर तो आप जान गए क्या है, फीडर। चलते हैं इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंडक्टर इन अ मीडियम वोल्टेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन एज पर आईई रूल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। आईई का फुल फॉर्म होता है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। आईई नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध होता है, तो किन्हीं दो चालकों के बीच, किन इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन, घरेलू की बात की, घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होता है ये पूछा है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, मोर देन 1 मेगा ओम, मोर देन 2 मेगा ओम, मोर देन 3 मेगा ओम, तो होता है कितना, मोर देन 1 मेगा ओम, क्या होता है 1 मेगा ओम से अधिक। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द डाइवर्सिटी फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, इंस्टॉल लोड अपॉन मिनिमम एक्चुअल लोड, मिनिमम इंस्टॉल लोड अपॉन एक्चुअल लोड, एक्चुअल लोड अपॉन मिनिमम इंस्टॉल लोड, मिनिमम एक्चुअल लोड अपॉन इंस्टॉल लोड। डाइवर्सिटी फैक्टर इक्वल टू क्या होता है आपका, मिनिमम न्यूनतम वास्तविक लोड, न्यूनतम न्यूनतम वास्तविक लोड, न्यूनतम वास्तविक लोड, न्यूनतम वास्तविक लोड अपान स्टार लोड, क्या होता है आपका स्टार लोड, स्टार्ड लोड, इंस्टॉल्ड लोड। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, न्यूनतम वास्तविक लोड की बात कहां किया है, यह किया पहले नंबर में ही, मिनिमम एक्चुअल लोड अपान स्टार लोड। फिर दिया है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द वोल्टेज रेशियो इन एसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन अडॉप्टेड फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइन में कौन सा वोल्टेज अनुपात क्या है, मतलब जो आपके घरेलू सप्लाई आती है तो उसमें जो वोल्टेज का रेशियो होता है क्या होता है, आप सब लोग जानते हो जो आपके ट्रांसफार्मर होते हैं आपके गली मोहल्लों या कस्बों में आके लगे हुए होते हैं, उसके बाद सप्लाई क्या जाती है पूरे मोहल्ले को या पूरे कस्बे को डिस्ट्रीब्यूट होती है। कोई कोई होते हैं अपने लिए निजी ट्रांसफार्मर भी ले लेते हैं, 10 kVA का या छोटे छोटे ट्रांसफार्मर आते हैं आप लोग ले लेते हैं, 10 का कनेक्शन ले लेते हैं, तो क्या होता है वो अपना पर्टिकुलर अपने लिए हो गया। लेकिन यहाँ पर जो अगर जनरली देखा जाए जो सबके लिए अवेलेबल होती है कितनी होती है, जो आपके ट्रांसफार्मर में आती है प्राइमरी में कितनी आती है, 415 वोल्ट आती है। उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं फिर उससे सिंगल फेज कनेक्शन लेते हैं, अगर हमारा 3 फेज इक्विपमेंट है तो 3 फेज कनेक्शन लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोला है, घरेलू उपभोक्ताओं, घरेलू उपभोक्ताओं का मतलब क्या होता है, घरेलू इक्विपमेंट कितने, घरेलू जो हमारे घरेलू इक्विपमेंट होता है किसमें चलते हैं, वो सिंगल फेज सप्लाई पे ही चलते हैं ज्यादातर, घरेलू जो है हमारे कितने चलते हैं, सिंगल फेज सप्लाई पर ही चलते हैं। अब सिंगल फेज चलते हैं तो सिंगल फेज सप्लाई हमारी क्या है, वोल्टेज रेशियो क्या होता है, 415 वोल्ट से 240 वोल्ट, ये आपका रेशियो होता है घरेलू के लिए, घरेलू इक्विपमेंट आपके जो है नॉर्मल इस रेशियो से चलाए जाते हैं। यदि आपकी सप्लाई 3 फेज है तो इसका मतलब जो है आप ट्यूबवेल वगैरह के लिए ले रहे हैं, आप पावर कनेक्शन ले रहे हैं घरेलू के लिए नहीं, मतलब 3 फेज कनेक्शन ले रहे हैं। यहाँ पे घरेलू के लिए बोला है मतलब सिंगल फेज कनेक्शन की बात किया, तो सिंगल फेज आपका कनेक्शन जो होता है आप जानते हो जो आपके गली मोहल्लों में ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं कैसे होते हैं, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर जो सप्लाई आती है वो कैसी आती है आप सब जानते हो, लगभग 11 kV होती है, तो 11 kV को कन्वर्ट करके आपको देते हैं किसमें, 415 में जा देते हैं। तो अब लेकिन आपको जो 415 आई है आपको 415 भी नहीं चलाना, आप तो सिंगल फेज चलाने ना, घरेलू इक्विपमेंट चलाने हैं आपको, तो घरेलू इक्विपमेंट के लिए क्या रेशियो होगा, 415/240 वोल्ट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 415 वोल्ट/240 वोल्ट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंसुलेटर यूज्ड इन ओएच लाइन, ओवरहेड लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम बताइए। एक इंसुलेटर दिखाया गया है, पूछा ये कौन सा इंसुलेटर है, ओवरहेड लाइन से आपके क्या यूज होते हैं, इंसुलेटर यूज होते हैं। इंसुलेटर का प्रयोग क्यों करते हैं ओवरहेड लाइन में, क्योंकि जो उससे क्या होता है आपका जो जो कर, क्या बोलते हैं आपका जो ओवरहेड लाइन्स होती है, जो ट्रांसमिशन लाइन होती हैं, तो क्या होता है या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वहाँ पे होता क्या है, जो आपका कंडक्टर आता है अगर कंडक्टर को हम इंसुलेटर नहीं लगाएंगे तो जब पोल के ऊपर जाएगा तो पोल में क्या आ जाएगा, पोल में करंट आ जाएगा। जब पोल में करंट आ जाएगा तो क्या है, अर्थ में करंट आ जाएगा, वहाँ पे जो मनुष्य होंगे जीव जंतु होंगे उनको जो है उनके लिए क्या हो जाएगा, खतरे का संकेत हो जाएगा, उनको करंट लग सकता है, उनकी जान जा सकती है। दूसरा, आपस में कंडक्टर जो है क्या होते हैं, तीनों कंडक्टर अगर एक ही पोल से जाएंगे, आपका कोई एक पोल है
कोई आपका एक पोल है उसमें से यदि तीनों कंडक्टर जाएंगे आर वाई बी तो क्या हो जाएगा, देखो ये तीनों शार्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तीनों लघुपथित हो जाएंगे। तो इस समस्या से निपटान के लिए हमने क्या किया, इनको पोल के ऊपर किस में लगाते हैं, इंसुलेटर पे लगाते हैं। पोल के साथ पहले क्या लगाते हैं, हम पोल के साथ लगाते हैं पहले इंसुलेटर, पोल के साथ क्या लगाते हैं, पहले इंसुलेटर लगाते हैं, पहले लगाते हैं इंसुलेटर, पोल के साथ क्या लगाते हैं, पहले हम इंसुलेटर लगाते हैं, इंसुलेटर लगाते हैं पोल के साथ, पहले हम इंसुलेट करते हैं। इसमें से दो फायदा होते हैं, पहली तो हमारा पोल इंसुलेट हो गया, पोल में करंट नहीं आएगा, दूसरा कंडक्टर से कंडक्टर शार्ट नहीं होंगे। तो देखो ये आपके तीन फेस के लिए का सप्लाई आ गई, जैसे आपका कोई आर फेस है, वाई फेस है या बी फेस है, तो देखो इस प्रकार आप सप्लाई ले जा पाओगे आसानी से और शार्ट भी नहीं होंगे। तो क्या हुआ, आपका इंसुलेट करता है, कंडक्टर से कंडक्टर को इंसुलेशन देता है और पोल को इंसुलेशन देता है, मतलब कि और आपकी सप्लाई कंटिन्यू चलती रहती है। यही दिखाया गया है इसमें, ओवरहेड लाइन में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का क्या नाम है दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो दिखाया गया है ये कौन सा है, ये आपका साइकिल इंसुलेटर है, ये आपका कौन सा है, साइकिल इंसुलेटर। बात की जाए पिन इंसुलेटर की, तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार बनी हुई होती है, आपने शायद देखा होगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हम जो है वहाँ बना के आपको दिखा देंगे। ये इस प्रकार का होता है पिन इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर इस कुछ इस प्रकार का होता है, हो सकता है कि हमें एग्जैक्ट ना बना पाए, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का होता है पिन इंसुलेटर, कोई संरचना कुछ इस प्रकार होती है। तो जब कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर हम पिन इंसुलेटर बना के दिखा देंगे, लेकिन ये बना हुआ ये कौन सा है, ये आपका साइकिल इंसुलेटर है। तो ये आज का तक हमारे रहे क्वेश्चन, आप सबको उम्मीद है समझ में आए होंगे, आप इन क्वेश्चन को पढ़िए, रिवाइज करिए, यदि कोई डाउट होता है तो क्लास को फिर से रिवर्स करके देखिए, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। एक बार देखिए, दो बार देखिए, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, यदि आप मेहनत करना चाहें, समझना चाहें और वो आपको समझ में ना आए, तो इसलिए आप लोग मेहनत करिए, हम आप लोग के साथ हैं, आप लोग के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, पूरा A to Z जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाएंगे तब तक हम लोग बिल्कुल अच्छा से अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। बस जिम्मेदारी आपकी है कि आप उसे अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। और उसके बाद आज की ये क्लास हमारी कंप्लीट होती है, फिर हम मिलेंगे नए क्वेश्चन में, नई क्लास के साथ, नई स्लाइड के साथ।